अरे सुशीला यार, चाय ले आओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ ला रही बाबा। लो आ गई आपकी चाय। अरे यार कितनी देर लगाती हो चाय लाने में तुम, मालूम है मुझे ऑफिस में जाने में देर हो रही है। ऐसा मुझे घर के काम बहुत सारे होते हैं, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। चाय तो अच्छी बनाई है तुमने। अच्छा आप मुझे मस्का लगा रहे हो। ठीक है, ऐसा है मेरा बैग और ला दे, फिर मैं निकल रहा हूँ इसे बंद करके। ठीक है ला रही हूँ मैं अभी। जाओ। लो अपना बैग। सुनो आज ना शाम को जल्दी आ जाना। अरे क्यों, क्या बात है? आज ना मेरा खाना खाने का मन बाहर है। अच्छा जी। हाँ जी। क्या खाओगे आप बाहर? जो भी आपका मन करे वो खिला देना, मुझे बाहर खाना है आज बस। अच्छा गोलगप्पे मत बोलना। नहीं मैं गोलगप्पे ही खाऊंगी। अच्छा तो ठीक है बाबा, मैं गोलगप्पे खिला लाऊंगा शाम को। ठीक ओके, मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ जी ठीक है। अरे इनका फोन रह गया। सुनो आपका फोन रह गया है। अरे हाँ लेके आना जरा। लो आपका फोन रह गया था। अरे यार क्या बात है, तुमने तो बहुत सही कर दिया। चलता हूँ। ठीक है ओके। अरे भैया का फोन। हेलो। हाँ भैया। हाँ हेलो। नमस्ते बहन। नमस्ते भैया। बहन मुझे आपकी मदद चाहिए थी थोड़ी सी। हाँ भाई बोल, क्या मदद चाहिए मेरी? बहन मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, मैं बहुत परेशानी में हूँ। क्यों भैया क्या बात है, पैसे किस चीज के लिए चाहिए? बहन मैंने नया बिजनेस शुरू किया था, पैसे मुझ पे कम पड़ रहे हैं, कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे यही तकरीबन 5 लाख रुपए चाहिए, अगर दे दो तो मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा बिजनेस के लिए चाहिए। अच्छा हाँ बहन देख लेना, मैं तुम्हें जल्दी वापस कर दूंगा, टाइम नहीं लगाने का ज्यादा। चलो मैं बात करके बताती हूँ उनसे, शाम को उनसे आने दो काम पैसे। ठीक है बहन। ठीक है ठीक है भाई, नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे यार मैं घर आऊंगा, घर ही बात कर लेना, ऑफिस में क्यों डिस्टर्ब कर रही हो यार, मुझे बहुत काम होता है। कुछ अर्जेंट काम है, आपसे बात करनी है। अच्छा अच्छा वो ऐसा है, शाम को आ रहा हूँ घर पे, जब ही बात करना ठीक है, अभी मैं बिजी हूँ। चलो ठीक है जल्दी आ जाना आप। ठीक है। क्या यार ये भी ना। हाँ अब बोल क्या काम था, अब बता। तू फोन कर रही थी ऑफिस में? मैं इसलिए कर रही थी कि थोड़ा सा आपसे मुझे काम था। अब बता क्या काम था। भैया का फोन आया था, वो उन्होंने कुछ नया बिजनेस चालू किया है। क्या कह रहा था? कह रहा था कि कुछ पैसों की जरूरत है, नया बिजनेस चालू किया है। तो बिजनेस उसने शुरू किया, पैसे भी वही लगाएगा? उसे पैसे कम पड़ रहे हैं, वो मदद मांग रहा है। अच्छा ये बता कितने रुपए चाहिए? 5 लाख रुपए। 5 लाख? हाँ जी। अरे थोड़ा अपने घर के बारे में भी सोच ले। अरे मैं दिला दूंगी, थोड़ी हेल्प ही तो मांग रहा है आपकी, वापस करा दूंगी। प्लीज दे दो उसको पैसे। यार अच्छा चल दे दूंगा पैसे, पर देख ले तू समझना। आप बहुत अच्छे हो। हाँ हाँ ठीक है। 5 लाख जा रहे हैं ना, इसलिए हाँ, अच्छा हाँ, चलो यहाँ बैठते हैं, धूम में बैठते हैं थोड़ी देर।
सुनो। हाँ बोलो। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। मुझे ना कपड़े खरीदने हैं। यार अभी पिछली बार तो खरीदे थे। वो मुझे अपने लिए नहीं, मम्मी के लिए साड़ी खरीदनी है। मम्मी के लिए? अबे मम्मी के लिए? मम्मी के लिए तेरा भाई खरीदेगा? जब भाई नहीं करते तो मुझे तो करना पड़ेगा ना। मैं दे देती हूँ मम्मी को साड़ी खरीद के। यार अभी पिछली बार तो तेरी बहन को कपड़े दिलाए तूने। यार तेरे बिना घर को के खर्चे भी तू ही करती रहती है। तो क्या हुआ, मैं घर में बड़ी हूँ, मैं दे नहीं सकती क्या? आप तो ना मेरे घर वालों को लेके कंफ्यूज रहते हो हर वक्त। बस यार बोला तो नाराज हो गई। दिला रहे हो या नहीं? मुझे हाँ में या ना में जवाब चाहिए। ठीक है यार चल ले लेना साड़ी भी। ये मुझे साड़ी मिलेगी नहीं। और कुछ? बस इतना ही। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है हाँ। चल खड़ी हो जा। यार इसने तो दुखी कर लिया बिल्कुल। अरे यार इसने काफी पैसे दिलवा दिए। शादी इसके घर में होती, खर्चा मेरे घर में होता है। ऐसा करता हूँ इसे आजमाता हूँ यार, इसके घर के क्या कहते हैं। इसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। हर दूसरे महीने ये दिलवा दो वो दिलवा दो, घर को ये दिला दो। जब देखो घर को कुछ ना कुछ भिजवाती रहती है यार। मेरे घर वाले क्या सोचेंगे यार। चलो आज मैं आता हूँ इसको यार मैं। हाँ वो बोल रहे थे मैं दिला दूंगा। दिलाने के लिए तो बोल रहे हैं। चल ठीक है मैं अभी बात करती हूँ। अरे आपको क्या हो गया? यार मैं थोड़ा ना परेशान हूँ। क्यों? यार मुझे ना पैसों की जरूरत पड़ गई। पैसों की जरूरत किस लिए पड़ गई आपको? यार मैंने ना फैक्ट्री में जो कमेटी डाल रखी थी ना उसे भरने के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई। अच्छा तू ऐसा कर पैसे ना अपने भाई से मंगा ले। हाँ आपसे लिए तो अब वापस मांगोगे आप? वो आपको पैसे नहीं देंगे क्या? भाग तो जाएंगे नहीं आपके पैसे लेके। वो दिला दूंगी ना मैं। तू उसको बोल यार पैसे की बहुत जरूरत है। ऐसा है ना मुझे 3 लाख रुपए अभी चाहिए। तू बात करना उनसे। चलो ठीक है देखती हूँ कॉल करके शाम को भाई को, कितने दे सकता है क्या करता है। चल ठीक है तू बात करिए है। हाँ मैं शाम को बात करती हूँ भाई से। हाँ कि हमें 3 लाख की जरूरत है तो आप 3 लाख रुपए दे दो। ठीक है मैं कर लेती हूँ। हाँ सही है। चलो ठीक है। हेलो हेलो भैया नमस्ते। हाँ बहन बोलो क्या बात। नमस्ते। हाँ भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो क्या बात। भैया वो पैसों की बात करनी थी, हमारी फैक्ट्री में घाटा आ रहा है। घाटा? कैसा घाटा हो गया बहन जी? हैं सब ठीक ठाक है ना? हाँ भैया सब ठीक तो है पर फैक्ट्री में घाटा आ गया तो तुम्हारे जीजा बोल रहे हैं पैसों के लिए, कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो मुझे दे दो आप। अच्छा पैसे? कितने पैसे? 3 लाख। 3 लाख? हेलो हेलो। हाँ भाभी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। वो भाभी भैया से ही बात करनी थी। हमें भी बता दो क्या बात है। वो भाभी पैसों के लिए फोन किया था। पैसे? कैसे पैसे? भाभी दिए नहीं थे आपको 5 लाख रुपए? वो 3 लाख रुपए मुझे लौटा दो, हमारी फैक्ट्री में घाटा चल रहा है। तुम्हें पता है ना हमने अपना सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया, हम कहाँ से दे रहे पैसे। तो भाभी अब हमें घाटा चल रहा है तो आप हमें नहीं दोगी पैसे? हमारी हेल्प नहीं करोगी अब आप? हाँ जब आएंगे ना तब दे देंगे हम तुम्हें पैसे। हमें अपना घर का खर्चा भी देखना है। तुम्हारी शादी में हमने पहले ही बहुत खर्चा कर रखा है। तो वो शादी में लगाया था ना आपने?
बस ठीक है, तुम अपना घर संभालो, हमें अपना घर संभालने दो। फोन मत करना अब इधर। भाभी ये कोई बात नहीं हुई है, मैं अपने हस्बैंड से आपके लिए लड़ी, अब मुझे आप आंखें दिखा रही हो, अपनी तो पैसे मांग रही मैं आपसे। हाँ ठीक है, जब पैसे होंगे दे देंगे तुम्हें, फोन मत करना अब दोबारा। वो आएंगे तो उन्हें मैं क्या जवाब दूंगी, मैं क्या करूं? अरे क्या बात हो गई? वो भाई को कॉल किया था। हाँ तो फिर? वो पहले भैया ने उठाया फोन, फिर भाभी ने उठाया, भाभी ने ले लिया। हाँ फिर क्या बोला? बोल रही थी कि पैसे वैसे नहीं है, तू अपना घर संभाल, हमें अपने घर संभालने दे, जब हमारे पास होंगे तो मैं दे दूंगी। अच्छा, अरे देख देख लिया तूने, तू जो अपने घर को के लिए ये दिला दो वो दिला दो, ये कर दो वो कर दो, अब देख लिया ना? तुम औरतें ना अपने परिवार के बारे में नहीं सोचती, अपने मैके के बारे में सोचती रहती है। अरे रो मत, सुन, अरे सुन इधर देख, मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, मैं तो तुझे ये दिखाना चाहता था कि तेरे घर के क्या करते हैं। क्या करना चाहते हैं? तो मुझे थोड़ी ना पता था भाभी ऐसी बात बोलेगी। अरे तो तू